दोस्तों यह है वैशाली, जो कि पश्चिमी बिहार में स्थित एक बड़ा ही खूबसूरत जिला है। वैशाली बिहार के 38 जिलों में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर शहर में मौजूद है। यह जिला अपने खुश मिजाज लोगों और यहाँ के ऐतिहासिक महत्वों के लिए जाना जाता है। वहीं क्या आपको पता है दोस्तों कि विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान कराने वाला स्थान वैशाली को ही माना जाता है। आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकतंत्र शासन को अपनाया जा रहा है, वह यहाँ के लिच्छवी शासकों की ही देन है। तथा यह जिला राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों तथा केले, आम और लीची के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। वैशाली जिला कुल 2036 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसके पूर्व में समस्तीपुर जिला, उत्तर में मुजफ्फरपुर जिला, पश्चिम में सारण जिला और इस जिले के दक्षिण में पटना जिला मौजूद है। यह जिला गांधी सेतु पुल के माध्यम से बिहार की राजधानी पटना से एक अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। वहीं वैशाली जिले का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हाजीपुर जंक्शन है, जो कि हाजीपुर शहर के बीचों बीच स्थित है। वैशाली जिले का यह नाम यहाँ के राजा वैशालिक से लिया गया है, जिनके वीर कर्मों का वर्णन हिंदू महाकाव्य रामायण में किया गया है। तथा इसे लिच्छवियों द्वारा दुनिया के पहले गणतंत्र को विकसित करने का श्रेय भी दिया जाता है। अगर आपको बिहार की सड़कों पर चलते हुए दोस्तों BR-31 नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप बिहार के वैशाली जिले में प्रवेश कर चुके हैं। पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो वैशाली बिहार राज्य का 10वां सबसे बड़ा जिला है, जहां साल 2011 में हुए जनगणना के अनुसार तकरीबन 34.95 लाख लोग निवास करते हैं। इस जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 895 महिलाएं हैं। वहीं वर्तमान समय में वैशाली जिला साक्षरता के मामले में बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लिहाजा यहां की जो लिटरेसी रेट है वो 74.23% की है, जो कि बिहार राज्य के 63.8% की औसत लिटरेसी रेट से अधिक है। वैशाली जिले का खान पान, अगर बात की जाए दोस्तों वैशाली जिले के खान पान की, तो चावल इस जिले का मुख्य भोजन है और यहाँ के लोग चावल से बने व्यंजनों का भरपूर आनंद लेते हैं। इसके अलावा वैशाली जिला अपने केला, लीची तथा आम जैसे फलों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। वैशाली जिले का इतिहास, इस जिले का गठन 12 अक्टूबर 1972 को हुआ था, परंतु वैशाली का इतिहास बौद्ध धर्म से भी पुराना रामायण के काल का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैशाली के राजा विशाल के नाम पर इस जिला का नाम वैशाली पड़ा। वैशाली में बहुत सारे प्राचीन काल के ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल हैं, जिसमें यहाँ पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के स्थल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और आइए दोस्तों अब आखिर में जान लेते हैं वैशाली जिले में घूमने फिरने योग्य कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। तो यहाँ पर आप महात्मा गांधी सेतु, म्युनिसिपल हाजीपुर पार्क, रामाचौड़ा मंदिर, बुढ़िया मैया टेम्पल, वैशाली म्यूजियम, अशोक स्तंभ, बाबा हरिहर नाथ मंदिर और यहाँ के सोनपुर मेले में घूम सकते हैं।